दोनों विश्वविद्यालय और आईराइज के संयुक्त तत्वाधान में प्रारंभिक करियर शोधकर्ताओं के लिए दक्षता निर्माण विषय पर 3 दिवसीय कार्यशाला का समापन हो गया। आपको बता दें कि आईराइज विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST ब्रिटिश काउंसिल रॉयल के बीच एक सहयोगी कार्यक्रम है। कार्यक्रम के अंतिम दिन केंद्र सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सलाहकार और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की प्रमुख इंस्पायर डिवीजन डॉक्टर नमिता गुप्ता ने युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब उद्योग शिक्षा जगत और विद्वानों को एक विविध पारिस्थितिकी तंत्र में सहयोगात्मक रूप से कार्य करना चाहिए। ये तो हमारे रिसर्चर्स के लिए बहुत लाभप्रद है क्योंकि जो रिसर्चर्स इसमें आए हैं वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर ऑफ PhD प्रोग्राम्स में हैं, और उस समय क्या है, जिस बच्चों ने कोर्स वर्क कर लिया होता है लेकिन जिस समय वो रिसर्च का टॉपिक डिसाइड करते हैं उस समय बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उनको क्लियर नहीं होती हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप उनको ये बताएं कि आपको रिसर्च कैसे करनी है, उसके लिए उनके पास गाइड हैं, सुपरवाइज़र हैं, बट उसके साथ की जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि उस जिस रिसर्च को वो कर रहे हैं उसका अल्टीमेट एम तो समाज तक ले जाना है, इंडस्ट्री तक ले जाना है, तो उसके लिए उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट कैसे हो, उनकी कैपेसिटी एनहांस कैसे हो, उसके लिए वो कैसे काम कर सकें, इसके लिए हमने ये वर्कशॉप आयोजित की। वहीं दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल ने कहा कि आज के शोधार्थियों के लिए अपने कल को बेहतर बनाने के लिए इस तरह की कार्यशालाएं समय की मांग है। हमारे पास रिसोर्स पर्सन 4 तो पुणे से आए हैं, ब्रिटिश काउंसिल से आए हैं, टाटा टेक्नोलॉजीज भी हमारा पार्टनर इसमें है, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री है, ब्रिटिश काउंसिल है, सारे लोग मिलके करते हैं। तो ये रिसर्च केवल एक जॉब लेने के लिए नहीं है कि मेरी PhD होगी और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनूंगा, ये समाज के काम आए और बहुत ही अच्छे सेशन यहाँ पर चले और वो उनकी स्किल को इन्हेंस कर पाए। मुझे इस प्रोग्राम से बहुत खुशी है और ये एक बहुत ही स्तरीय प्रोग्राम था, बहुत ही स्टैंडर्ड का प्रोग्राम था। इस कार्यक्रम में IIT रुड़की, IIP वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी जैसे देश के कई प्रमुख सरकारी और निजी संस्थानों के 88 डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टरल विद्वानों ने भाग लिया। 3-day वर्कशॉप में हमने काफ़ी कुछ सीखा है, यहाँ पे सबके लिए काफ़ी कुछ था। अगर PhD के बाद आपको अकेडमिया में जाना है या फिर आपको इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है तो सबके लिए कुछ ना कुछ सीखने के लिए था। अगर अकेडमिया में जाना है तो आप कैसे न्यू टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनको कैसे साइंस की तरफ उनमें साइंस इनकलकेट कर सकते हैं बेसिकली। और अगर आपको इंडस्ट्री में जाना है तो उसके लिए क्या अप्रोचेज, उसके लिए क्या आपको पहले से ट्रेनिंग चाहिए, वो सब हमें सीखने को मिला।